हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम रिलेटेड पॉडकास्ट्स। अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट्स देखना पसंद है तो मेक श्योर आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की इन ट्विन फ्लेम जर्नी, जो है रूट चक्रा। ओके, सो गाइस, जब आपके रूट चक्रा जो है ब्लॉक होते हैं, तब आपको काफ़ी सारे फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। आपका बॉडी वेट जो है वो भी लेस या ज़्यादा हो सकता है, तो इस तरह से जो है उसके काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि अगर आप कमाते भी हो तो फिर आपके पैसे भी है ज़्यादा खर्च हो जाए, या फिर आपके पास पैसे आते हो लेकिन आपके पास रहते ना हो, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आप जो जॉब डिज़र्व करते हो वो आपको ना मिले और आप एक लेस पेइंग जॉब पर वर्क करते हो, इस टाइप की सिचुएशंस जो है आपकी होती रहती है। तो फिर आप जो है फाइनेंशियली अच्छी तरह से स्टेबल नहीं हो पाते, या फिर आपको जो है जॉब ही नहीं मिल पाती, आप एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते, आप में जो है कॉन्फिडेंस जो है स्टेबिलिटी जो है वो रह नहीं पाती, तो इस तरह के बहुत सारे यू नो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। और अगर आपके पास फाइनेंसिस अच्छे ना रहे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी लो हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है रूट चक्रा की वजह से जो है क्रिएट होता है। सो गाइस, आपको डेफिनेटली इसके लिए रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, खुद से कुछ कर नहीं रहे हो, और आपकी यू नो फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो, तो डेफिनेटली आपके DM भी आपसे बहुत ज़्यादा रन करेंगे। आपको एक सिक्योर वाली फीलिंग नहीं आएगी, आप हमेशा जो है एक यू नो फियर के फीलिंग में रहोगे, पॉजिटिव फील नहीं कर पाओगे, ज़्यादा इनसिक्योर आपको बहुत ज़्यादा फील होता रहेगा बार बार। तो ये सारे इश्यूज़ जो है आपके रूट चक्रा से हील होते हैं, तो सारे यू नो प्रॉब्लम्स की जड़ जो है रूट चक्रा है, तो उससे ट्विन फ्लेम जर्नी में हील करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से रूट चक्रा की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स जो है हमारी लाइफ में जो है क्रिएट हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारे DM भी हमसे रन करते हैं। अगर वो किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, खुद की उनकी जॉब नहीं है, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा, तो ये सारे यू नो उन चीज़ों से ये भागते हैं। ये एक स्टेबल पार्टनर चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल माइंड से जो है हमेशा डिवाइन मस्कुलाइंस सोचते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें बीच में आ जाती है। आप भी कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो और उन्हें फेस करने का भी फिर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फियर रहता है। उसके बाद साथ ही साथ अगर आप कोई सेशन लेना चाहते हो किसी यू नो ट्विन फ्लेम कोच से वगैरह, तो वो भी आप ले नहीं पाते हो। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आपके लाइफ में क्रिएट हो जाते हैं। तो आपके फाइनेंसेस ठीक करना और उसके लिए आपका रूट चक्रा ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोग भी हैं जिनके यू नो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, तो वो उनके क्रैक नहीं हो पाते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं उनका जो है रूट चक्रा वर्क करता है, मतलब रूट चक्रा का रोल होता है। तो डेफिनेटली आपको एक स्टेबल लाइफ के लिए, एक अच्छी पॉजिटिव लाइफ के लिए आपका रूट चक्रा हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सो चलिए गाइस, मैं तो चाहती हूँ कि आप हार्ट चक्रा से भी पहले आपका रूट चक्रा हील कर लो, उसके बाद आप हार्ट चक्रा हील करो। सो चलिए गाइस, इसी के साथ में पॉडकास्ट जो है एंड करती हूँ। बाय बाय।